आज मैं इस वीडियो में ब्लैक सीक्वेंस साड़ी के ऊपर कौन कौन से ब्लाउजेस आप पेयर कर सकते हैं इनके ऑप्शंस आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूं। सो वेलकम बैक टू वोकमाइल विद रोहिणी वेयर यू गेट टू सी लॉट्स ऑफ स्टाइलिंग वीडियोस एंड हॉल वीडियोस। स्टाइलिंग ऑप्शंस के साथ में ज्वेलरी ऑप्शंस भी शेयर होने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलिए देर ना करिए, सब्सक्राइब करिए और चलिए अब देखते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट स्टाइलिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक रेडीमेड ब्लैक ब्लाउज लिया है, एक स्लीवलेस ब्लाउज है, मैंने अमेजोन से लिया हुआ था, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में ये मुझे मिल गया था। स्ट्रेचेबल फैब्रिक में है और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इनफैक्ट जो इसकी फिटिंग है एकदम ही परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे 36 साइज में ये वाला ब्लाउज लिया है। मैंने वो फ्यू आस्क ऑल्सो कि कौन सा लिपस्टिक शेड लगा हुआ है, तो मैंने रेनी की लिपस्टिक लगाई हुई है, उसमें डिफरेंट शेड्स हैं, तो ये वही शेड में से लगाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन आउट कर दूंगी। हाथों में मैंने बैंगल्स डाली हुई हैं और क्योंकि मेरी ज्वेलरी होने वाली है सिल्वर, इसलिए मैंने यहाँ पे सिल्वर एक कड़ा इस तरीके से डाल दिया है। सो और क्योंकि सितारे भी थोड़े से सिल्वरिश हैं इस वजह से, तो ये हमारी हो गई कली कली चूड़ियाँ। सीक्वन साड़ी का लुक कुछ सिल्वरिश आ रहा है, इसीलिए मैंने सिल्वर ज्वेलरी डाली है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं डल सिल्वर में ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी सा चोकर सेट मैंने यहाँ पे डाला है। और सब प्रोडक्ट्स जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ सबके लिंक्स मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप परचेजेस कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर मिरर वर्क भी किया हुआ है, लुक्स ब्रिलियंट एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फुल लुक, बहुत ही सटल सा ब्लाउज मैंने लिया है क्योंकि जो साड़ी है उसके ऊपर ऑल ओवर सीक्वेंस वर्क किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टॉप पोर्शन में यानी कि ब्लाउज पोर्शन में बहुत ही सटलिटी रखेंगे तो ये लुक काफ़ी अच्छा आएगा। अगेन क्योंकि गले में मैंने ये खूबसूरत सा सिल्वर ऑर्नामेंट डाला है, तो अगेन इसकी खूबसूरती, इस लुक की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस साड़ी के लिए जो सेकंड ऑप्शन था, मुझे ऐसा लगा कि ये वाला ब्लाउज काफ़ी अच्छा लगेगा, जो था शोल्डर पोर्शन में नेट वर्क किया हुआ है और जो चेस्ट एरिया है वहाँ पे सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। ये ब्लाउज मैंने बहुत सालों पहले लिया हुआ है, ऑनलाइन दिखेगा तो ज़रूर बताऊँगी। अमेजोन से मैंने एक आर्टिफिशियल बन मंगाया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ में मैं ये आर्टिफिशियल बन पेयर करती हूँ मेरे बालों के ऊपर, सो जस्ट चेक कैसा लगेगा, ज़रूर कमेंट डाउन करना। आपको पसंद आया ये वाला लुक ज़रूर मुझे बताना, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस आर्टिफिशियल बन। तो यहाँ पे मैंने एक सामने फ्लिक्स निकाल लिए हैं, थोड़े बढ़ गए हैं बाल ज़रूर मेरे, लेकिन हाँ सामने थोड़े से फ्लिक्स निकाल लेंगे और पीछे की तरफ पोनी बना लेंगे। और ये जो बन है बस उस पोनी को अगेन बन पोर्शन में हमें लपेटना है और उसके ऊपर इस आर्टिफिशियल बन को लगा लेना है। सो जी हाँ, आप देख सकते हैं जो बन में वॉल्यूम था ना वो अच्छा खासा दिख रहा है, आई जस्ट टोटली लव्ड इट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा बहुत ही सॉर्ट आउट हो गया है। और बस यहाँ इसके साथ में मैंने एक फ्लावर लगा लिया है ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन में, टू ऐड दैट ग्लैम लुक टू माई आईज आई हैव यूज सिल्वर आई लाइनर, बहुत ही प्रिटी दिख रहा है। और इसके साथ में मैंने नग वाला ज्वेलरी सेट, स्टेटमेंट ज्वेलरी सेट है ये, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में हॉल वीडियो में शेयर किया हुआ है। एंड जस्ट द एंटायर लुक इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। इसके साथ में मैंने जो लिपस्टिक है ना उसके ऊपर एक लिप ग्लॉस लगा लिया है, बहुत ही प्रिटी और शाइनी लिप्स भी दिख रहे हैं। सो हियर कम्स द एंटायर लुक गाइज। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि थोड़ा सा और ग्लैम करने के लिए मैंने जो सटलिटी थी फर्स्ट लुक में उसको चेंज करके यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस वर्क डाला है ब्लाउज के थ्रू, और नेट है इसका मतलब थोड़ा सा बैलेंस आउट हो चुका है ये पूरा एंटायर लुक। तो और बाल भी मैंने इसमें बन बनाए हैं ताकि जो ब्लाउज है ना उसकी खूबसूरती भी इसमें दिख सके। सो इस तरीके का लुक आप अपना सकते हैं ड्यूरिंग कॉकटेल पार्टीज़ या फिर कोई फंक्शन हो उस टाइम में भी आप इस लुक को कर सकते हैं। द थर्ड लुक एंड द लास्ट लुक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्रॉप टॉप को पेयर करा है सीक्वेंस साड़ी के साथ में, एक मेटालिक क्रॉप टॉप है, पॉलिएस्टर मटेरियल से बना हुआ है, ये मैंने मिंत्रा से लिया हुआ था। एंड जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो ये चाहिए ही। इसके साथ में मैंने एक मिरर ज्वेलरी के साथ में इसको पेयर करा है, गले में मैंने कुछ नहीं पहना इसीलिए मैंने बहुत बड़े बड़े ईयरिंग्स डाले हुए हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत ही नीट और क्रिस्प लुक दिया है मेरे हेयर्स को, बेबी हेयर थोड़े से दिख रहे हैं अभी भी लेकिन बहुत ही नीटली, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हैं बेबी हेयर, उस हिसाब से ये मैंने बहुत कर्टेल करे हैं। इसके साथ में मैंने सिल्वर ज्वेलरी भी इसके साथ में पेयर करी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे राइट हैंड में मैंने ब्रेसलेट डाला हुआ है, इसको मैंने बनाया है एक माला से, बीडेड माला थी, बस इसको मैंने यूज़ कर लिया टू गिव दैट
ग्रे एंड तो देखिए मैंने आपको अभी ज्वेलरी हैक भी दे दिया है, टिप दिया है, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लैम लुक देने के लिए जो ब्लश है उसके ऊपर ही थोड़ा सा शिमर डाला हुआ है। और हियर इज़ माई एंटायर लुक गाइज, हियर इज़ माई एंटायर फेस, बहुत ही शाइनिंग सा फेस है। आई जस्ट लव दिस एंटायर लुक। डेफिनेटली आप किसी कॉकटेल पार्टीज़ में आप इस लुक को फ्लॉन्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट एवरीबडी इज़ गोइंग टू लव दिस लुक।